गाइस, इट्स मृदुला सरकारिया, लवेबल मृद्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे जिस रेमेडी के बारे में बात करने आई हूँ वो है वजाइनल इचिंग। इचिंग होना फीमेल्स को वजाइना में इट्स वेरी वेरी कॉमन। एंड हम कई बार क्या होता है, स्पेशली जो वर्किंग वूमेंस होती है, पूरे दिन बाहर रहना, इवन जो घर पे भी होती है या उनके साथ भी ये इशू होता ही है। तो इसके लिए नॉर्मल एक होममेड जो रेमेडी है वो शायद ही हम लोगों को पता हो। एंड मैं इस चीज़ से कभी ना कभी विद इन अ मंथ दो तीन बार मेरे को ये इशू हो ही जाता है। तो मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है हींग। आप कोई भी कंपनी का हींग यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो था मैंने वही यूज़ किया और उसमें थोड़ा सा ठंडा दूध, चाहे वो पका हुआ हो या फिर कच्चा हो, कुछ भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इशू और आ सकता है, मैंने इसमें दूध मिक्स किया है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैम आप दूध कहाँ यूज़ करने के लिए बोल रहे हो हमें। फॉर मी विजाइनल रूटीन और बोलते हैं ना टेकिंग केयर ऑफ माई प्राइवेट पार्ट, इट्स इवन मच मोर इम्पॉर्टेंट देन माई बॉडी, माई स्किन, माई हेयर, एनीथिंग। दिस इज़ बिकॉज हमारे साथ हर चीज़ जो हमारे हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है वो हमारे उसी पार्ट से जुड़ी हुई है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं आप दूध यूज़ नहीं कर सकते हो, तो दूध की जगह पे आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हो। इसको आराम से अच्छे से मिला लीजिए इस तरह, और मिलाने के बाद जो आउटर लेयर है आप उस पर इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा है और आपने कर दिया है, अगर वहाँ छिल गया है तो थोड़ी देर तक जलेगा, बट इसका ऐसा कोई इन्फेक्शन या रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा देखने को। क्योंकि बीइंग अ यूज़र आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, रेगुलरली जब भी मुझे इचिंग होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। बट स्टिल मैं कहूँगी ये अंदर ना जाए, आप आउटर लेयर पर यूज़ करिए। आप इसको एटलीस्ट बाहर की तरफ जहाँ पे आपको इच हो रहा है आप इसको यूज़ करिए। नॉर्मली क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी हम जाते हैं तो जिनको वाइट डिस्चार्ज का इशू है तो वो खुद ही बोलते हैं कि मैम हर 7-8 महीने में ये चीज़ वापस आएगी, आपको रेगुलरली दिखाना पड़ेगा। बट सिर्फ अगर इचिंग का इशू है तो यू कैन यूज़ दिस। बट इसके अलावा अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है या फिर आपको दिख रहा है कि नहीं इट इज़ गेटिंग अनईजी फॉर यू, इचिंग भी किसी भी कंडीशन में रुक नहीं रही है, तो प्लीज़ गो टू गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।